बहुत ध्यान देना महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें सात जगह अर्थात सात तिथियां ऐसी हैं जिस दिन पांच दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, पहली है पंचमी तिथि, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सात तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये सात तिथियां, फिर से बोल वो तिथियां हैं सात जिन तिथियों में अगर हम पांच दीप घृत के घी के पांच दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है जगह जगह, बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर पांच दिए इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये सात तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता। पर सावन के महीने में अधिक मास के संयोग पर ये होता है, बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास की दरिद्रता तो ये बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं। इंदार और शमी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो।